दोस्तों नमस्कार, मैं रोशन हूँ और आज फिर आपके बीच अखबारों के समीक्षा लेके हाजिर हूँ। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे एक प्लीजेंट खबर हम कह सकते हैं कि एक संतोष की बात है कि देश भर में दिवाली मनी, बहुत अच्छे से दिवाली मनी और दिल्ली में भी लोगों ने दिवाली को खूब एंजॉय किया और जो लोगों के पटाखे फोड़ने पर पाबंदी लगाई गई थी और हतोत्साहित किया गया था तो लोगों ने अपने आप को सीमित रखा, ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़े लेकिन फिर भी कुछ पटाखे फूटे तो त्यौहार भी मना लिया। और इस बार का जो पोल्यूशन लेवल था, जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो भी कंट्रोल में रहा। हालांकि वो कैटेगरी उसकी बेहद ख़राब है लेकिन त्यौहार के मौका है और ये तो दिल्ली का AQI लेवल है अभी, वो लगभग मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी मार्च तक चलेगा जब तक कि गर्मियों का मौसम शुरू नहीं हो जाता। तो जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कल आंकड़े जारी किए, उसने कहा है कि जो दिल्ली का 2015 का जो AQI लेवल था वो दिवाली के दिन 360 और दिवाली के बाद 445 AQI लेवल था और 2017 में 403 था और 290 था और 2019 में 368 और 435 था। 2021 में दिवाली के बाद वाला एक दिन बाद 462 था और दिवाली के दिन यानी कल 303 था। तो 303 अगर आप देखें तो एक केवल जो 2018 का था वो थोड़ा सा कम था, वो 259 था। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं पिछले 7-8 सालों में ये दूसरा सबसे स्वच्छ दिल्ली थी। लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया गया था और जिस तरह से लोगों को रोका गया था कि आप त्यौहार मत मनाओ, पटाखे मत फोड़ो, तो उस हिसाब से मैं कहता हूँ कि लोगों ने त्यौहार भी मनाया और दिल्ली में पॉल्यूशन भी नहीं होने दिया, तो ये अच्छी बात रही। जो दूसरा खबर है वो है UK में ऋषि राज शुरू हो गया। ऋषि सुनक ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियुक्त हो गए और इनको कल ये जो चार्ल्स थर्ड हैं, राजा किंग चार्ल्स थर्ड, इनसे मुलाकात की इन्होंने और 28 तारीख को इनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो ये पहले एक तो पहले एशियन है और पहले भारतीय हैं जो UK के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और इनकी जो सबसे खासियत है कि ये बहुत कम उम्र के हैं। 260 सालों के इतिहास में इंग्लैंड के लोकतंत्र के उनमें ये 42 साल के हैं और हम सब के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए खुशी की बात है, ये भारतीय हैं, हिंदू हैं। और उसके साथ साथ चूँकि अंग्रेज़ों ने हम पर 200 साल राज किया, उसके बाद किसी भारतीय का UK का प्राइम मिनिस्टर बनना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम सब के लिए गौरव की बात है। ऋषि राज के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होंगी, जैसे वहाँ के जो UK की अर्थव्यवस्था गिर रही है, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ बिजली का संकट होने वाला है, यूक्रेन पर जिस तरह से रूस ने हमला किया और UK ने जो स्टैंड लिया है उसको लेके उनको तमाम बातों की उनको पुष्टि करनी होगी, समीक्षा करनी होगी, अपना स्टैंड लेना होगा। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दिया, फिर लिज ट्रस्ट ने इस्तीफ़ा दिया, तो इनके ऊपर ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि आपने ऐसे समय पद संभाला है जब देश संकट में है और उस संकट से उबारना आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों आज दो खबरें आई है, एक तो CCI ने गूगल पर 936 रुपये का जुर्माना किया है और यही जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसने गूगल पर अभी हफ्ते भर पहले ही 900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। इनका मानना यह है कि गूगल मोनोपोली कर रहा है, लेकिन ये CCI उस वक्त कहाँ था जब समय जियो मोबाइल ने फ्री में इंटरनेट कनेक्शन दिया था और उसके बाद वो 435 रुपये का 3 महीने का इसने कनेक्शन दिया था और सारी जो टेलीकॉम कंपनियाँ थी बर्बाद हो गई थी और जियो अकेला सर्वाइव कर रहा था। और आज भी जियो सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, देश में 50% 5G का जो टेंडर हुआ है वो जियो ने खरीदा है। तो तब CCI कहाँ था, इस बात का ज़रूर विचार होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम लोग जो कहते हैं बार बार कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है,
वित्त मंत्री कह रही है सब इंडस्ट्रियलिस्ट को विदेशियों के आप आइए हमारे देश में इन्वेस्ट कीजिए, तो क्या ये इन्वेस्ट का माहौल बन रहा है क्या? आप विदेशी कंपनी, एक कंपनी अपना काम कर रही है, बिजनेस कर रही है और आपके यहाँ रोजगार दे रही है, आपको आपकी इनकम को डबल कर रही है, आपको टैक्स देती है और अब उस पर आप इस तरह से आप कार्रवाई करेंगे तो मुझे लगता है कि देश का जो माहौल है इन्वेस्टमेंट का माहौल ख़राब होगा। तो ये गूगल पर दूसरी बार जुर्माना हुआ है। और एक और आज खबर आई है कि एक जो बिल्डर है उसका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है। बिल्डर लोग कितने संकट में हैं इस वक्त, उनके मकान नहीं बिक रहे हैं, बैंकों का कर्जा है, ऊपर से जो नुक्ताचीनी है ये जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं या जो हमारी जो रेगुलेटिव एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों के कारण देश को आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींचा जा रहा है। जो लोग आगे दौड़ रही हैं उनकी टांगें पकड़ रहे हैं ताकि आगे न दौड़ पाए। तो इसलिए समीक्षा होनी चाहिए कि इन एजेंसियों की जरूरत है क्या। तो ये देश का माहौल खराब करेंगे बल ये सुधारेंगे नहीं। बेंगलोर में जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं संतों पर बलात्कार के और तमाम, उसमें एक संत ने सुसाइड किया था और कल एक और संत ने, कल जब उसके कैरेक्टर एसेसिनेशन हुआ, उनके आचरण पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने भी आत्महत्या कर दी है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि क्या संतों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये दुखदायी होता है इस तरह की बातें। जब तक आप पुख्ता प्रमाण हो, कोर्ट की तरफ से कोई दोषी साबित न हो जाए, तब तक किसी का चरित्र हनन नहीं होना चाहिए। केरल में आजकल बड़ा नाटक चल रहा है। केरल के राज्यपाल ने 9 VC को, वाइस चांसलर को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन वो नहीं हटे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो उनको कारण बताओ नोटिस हुआ है। हमारे देश में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति तो हो जाती है बहुत आसानी से, आप गवर्नर एक आदेश से कर सकता है, लेकिन उसको हटाने का प्रोविज़न नहीं है। उसको आप मना के इस्तीफा ले सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते, ऐसा प्रोविज़न है। इसलिए वाइस चांसलर अपने आप में एक स्टेट का मालिक होता है, जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का मालिक होता है, तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप दबाव डाल सकते हैं, जो भी उसके इस्तीफा ले सकते हैं, इस्तीफा मांग सकते हैं। अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि जो वहाँ के 9 वाइस चांसलर हैं उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया है और अब गवर्नर साहब आरिफ मोहम्मद खान साहब इन्होंने उनको इस्तीफा इनको कारण बताओ नोटिस दिया है। तो देखते हैं कि अब इसमें जो कारण बताओ नोटिस दिया उनको क्या जवाब देंगे, क्योंकि उनको जो वहाँ सरकार है वो वामपंथियों की सरकार है, वाम समर्थित सरकार है, तो इस तरह से वहाँ पे वो सरकार उन वाइस चांसलरों का सपोर्ट करती है। तो देखते हैं कि इसमें आगे कितना वहाँ पे वो मामला कहाँ तक बढ़ता है या वो ख़त्म हो जाता है। दिल्ली में कल एक और खबर आई है, जब हम बात कर रहे थे कि दिवाली के कारण इस बार ज़्यादा दम घोटू प्रदूषण नहीं हुआ है, तो उसमें ये भी एक अच्छी खबर आई है कि जो विजिबिलिटी है वो 4 किलोमीटर रही दिल्ली में। ये पहली बार ऐसा हुआ, ये ऐसा रेयर होता है कि विजिबिलिटी 4 किलोमीटर हो, अदरवाइज़ इस वक्त दिवाली के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 800 मीटर 900 मीटर 1 किलोमीटर तक ही रहती है, लेकिन 400 किलोमीटर तक होना ये वाकई ही बड़ी बड़ी खबर है। इससे जुड़ी दोस्तों ये खबर है कि जो पराली जलाने की खबर रहा है, जो अब शुरू हो जाएगा, इसमें राजनीति शुरू होगी कि किसान पराली जला रहे हैं, तो पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक 2020 में सबसे ज़्यादा हुई थी, 1621 घटनाएं, 2021 में करीबन 6000 घटनाएं हुई थी और 2022 में 5000 घटनाएं हुई हैं। ये पंजाब में ये उपलब्धि है कि जो घटनाएं बहुत ज़्यादा हो गई थी, 2020 में सबसे ज़्यादा हुई थी, 16221 घटनाएं घटी थी, वो 2022 में घटकर 5768 हो गई है। तो अब ये जो किसान और जो दिल्ली के सरकार कहती थी कि पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, तो वो नहीं कह पाएगी, हालांकि उन्हीं की सरकार बन गई है तो इसलिए वो चुप हैं, इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं पराली को लेकर। लेकिन ये बड़े अच्छा संकेत है कि घटना
कम हुए। और इस तरह से हरियाणा में 20 और 21 में 1772 घटनाएं घटी थी, और 2022 में ये भी कम होके 1372 हो गई, थोड़ी सी कम हुई, 1700 से कम होके 1300 पर आई है, लेकिन कम हुई है, बढ़ी नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 783 घटनाएं घटी थी 2020 में, वो 2022 में कम होकर 561 हो गई है। ये भी बड़ी अच्छी खबर है कि वहाँ के किसान, वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही है, और इस सपोर्ट करने से सबसे नहीं सबको फ़ायदा होता है, हमको फ़ायदा होता है, आपको फ़ायदा होता है, हमारी पृथ्वी को फ़ायदा होता है, हमारे वातावरण को, जलवायु को उसका फ़ायदा होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत चर्चित एडमिशन होते हैं, इस बार देर हो गए, लेकिन अभी तक 70,000 में से 59,000 पूरे हो चुके हैं, तो ये भी एक अब बहुत कम चांस रह गए, केवल 10-11 हज़ार ही सीटें बची हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि दूसरी लिस्ट आ गई है, तो तीसरी और चौथी लिस्ट का शायद ही तीसरी आ भी जाए तो चौथी लिस्ट का आना मुश्किल हो जाएगा। सीएजी रिजेक्ट्स सीवीसी'स रिक्वेस्ट टू मेक इट पार्ट ऑफ एग्जिट इंटरव्यूज। केन्या में अगर आपको याद हो कि एक जो हमारे बालाजी टेलीफिल्म्स है एकता कपूर का, उसके सीओओ की और उसके फ्रेंड की हत्या कर दी गई थी, तो केन्या पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है, तो उसमें और पता लगा कि इसका क्या कारण है उनको पकड़ने का। एक और खबर राम मंदिर से आई है, अयोध्या से, और जो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य आधा हो चुका है, 50%, और जनवरी 2024 तक हम इसमें लोगों के लिए दर्शन के लिए खोलेंगे, यानी दर्शन होते रहेंगे और बाकी निर्माण कार्य होता रहेगा, क्योंकि निर्माण कार्य तो मुझे लगता है कि लंबा चलेगा, क्योंकि विशाल मंदिर बनना है, उसमें उसके सराउंडिंग बहुत सारी चीज़ें बननी है, धर्मशाला बनना है, पूजा और कीर्तन का जो वहाँ पर अलग से मंडप बनना है, उन सब में पैसा लगेगा और समय भी लगेगा, लेकिन दर्शन खुल जाएंगे 2024 जनवरी में, इसलिए होंगे कि फिर अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, तो जो मंदिर का सारा क्रेडिट है, जो मोदी सरकार ने मंदिर बनाने के लिए जो प्रयास किए हैं, अभी प्रधानमंत्री ने दीपोत्सव में भी अयोध्या गए थे और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए भी गए थे, तो इन सब का असर दिखना चाहिए और चुनाव पर दिखना चाहिए, इसलिए दर्शन के लिए ये 2024 में खुल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, बाकी सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए थे कि जो पीएफ जोड़ने वाले जो संस्था है उसमें कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो हर बार बात होती है कि पीएफ में जो इनरोलमेंट है, यानी रोज़गार पाने वालों की संख्या बढ़ी है, तो अगर ये वैसे सरकारी आंकड़ों पर डाउट करने का तो सवाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग ये सवाल तो उठाते हैं कि जितने रोज़गार चाहिए, जितने लोग परेशान हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उसके हिसाब से उतना रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज एक खबर आई है कि जो फॉरेस्ट रिजर्व राइट है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसका उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो एसटी कमीशन है वो कहता है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो जो कंजर्वेशन रूल्स हैं वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि इसमें बड़ी बड़ी खबरें ये आ रही है कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके तहत 59 लाख हेक्टेयर भूमि आदिवासियों को सौंप दी गई है, और यही अगर स्पीड रही तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। तो जो कंजर्वेशन रूल बन रहे हैं, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत, तो ये आपस में दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट कहता है कि जंगलों को काटने दो, आदिवासियों को दो, और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो कहता है कि जंगलों को बचाओ। इन दोनों में मतभेद होते हैं और
ये दोनों में द्वंद चलते हैं, तो जो एसटी पैनल है वो कहता है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करो, और जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है वो कहते हैं कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लागू करो। तो इसमें इस तरह की बातें होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग खबर आई है कि गवर्नमेंट हैज़ गॉट 254 करोड़ फ्रॉम ऑफिस स्क्रैप्स सिंस अक्टूबर 2। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जो सरकारी मंत्रालयों में जगह जगह स्क्रैप पड़े हुए थे, अलमारी पड़े हुए थे, स्टील के अलमारियाँ, लकड़ी के अलमारियाँ और अखबार फाइलें ढेर लगे रहते थे। अगर आप सरकारी दफ्तरों में चले जाएं तो चारों तरफ ढेर लगे रहते थे। उन ढेरों को बेचने से जो स्थान 37 लाख स्क्वायर फीट स्पेस खाली हुआ है, 37 लाख, और 254 करोड़ रुपये इसने सरकार की आमदनी ली। मतलब जो कबाड़ा पड़ा हुआ था जिसको वहाँ बंदर नोचते रहते थे उससे सरकार की आमदनी हुई है और स्पेस भी मिला है। 37 लाख स्क्वायर फुट स्पेस नया मिल गया है। तो ये कल मंत्री जी ने बताया, ये बड़ी अच्छी बात है। और आज हम इस पर हम कुछ और भी बात करेंगे मंत्री से मिलने के बाद। अभी जो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन रहे हैं उसमें जो भारत और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको लेके द्वंद्व चल रहा है, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। तो अभी जब ऋषि सुनक आ गए हैं तो उसे कोशिश हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि अब हम दोनों के बीच में रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, अच्छे होंगे, और जो ये ट्रेड डील है हमारी, जो एग्रीमेंट है, वो मुझे लगता है कि वो स्मूथली हो जाएगा, उसमें एग्रीमेंट होने की संभावना है। अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हो जाएंगे। मित्रों, बाकी T20 मैच चल रहा है और इसमें आज देखते हैं कि आज जो मुकाबला है तो मित्रों आज इतना ही, फिर हम कल फिर बात करेंगे आपसे। आज अगर आपकी कोई सुझाव हो तो मुझे सजेशन दीजिए। तब तक नमस्कार, थैंक यू।